क्या आपकी इंग्लिश वीक है? क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या आप फाइनेंशियल क्राइसिस को अपनी कामयाबी का रोड़ा मानते हो? तब आपको यही कहूंगी, इन सब चीजों के बावजूद अगर कामयाब होना चाहते हो, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले उसकी तरह तपना सीखो। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसा समय भी आता है जब हमें लगने लगता है कि अब हमारे चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार है, रोशनी का कोई स्रोत दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन हमारी परीक्षा लेता है और वो हर पैतरा आजमाता है जिसके सामने हम घुटने टेक दें, हार मान लें। लेकिन तुम्हें प्रकाश करना है तो ऐसे वक्त में स्वयं को सूरज की तरह जलाओ, डटकर हर मुश्किल का सामना करो और फिर देखो कि जीवन में कैसा प्रकाश आता है। ऐसी ही कहानी है रोहित कुमार की। ये कहानी है मेवाड़ा अशोकनगर निवासी श्री दिनेश कुमार व श्रीमती धनवती देवी के छोटे बेटे रोहित कुमार की। पेशे से ऑटो चालक श्री दिनेश अपने पूरे परिवार की देखभाल कर रहे थे पूरी मेहनत से। इस परिवार में कमाने वाले केवल दिनेश ही थे। श्री दिनेश जिस ऑटो रिक्शा को चलाकर पैसे कमाते, वह भी उनका अपना नहीं था बल्कि किराए का था। उनका एक ही प्रयास रहता, किसी प्रकार अपने बेटों की शिक्षा पूरी करवाऊं ताकि उन्हें यह काम ना करना पड़े। दिनेश जी के छोटे पुत्र रोहित ने ठान लिया था इन हालातों से लड़ने का। जैसे जैसे हालात विपरीत होते गए, वैसे वैसे रोहित का जुनून बढ़ता गया और आज स्थिति यह है कि दिनेश जी और उनके परिवार का समय पूरी तरह से बदल चुका है। रोहित ने पूरे परिवार के दुख दर्द यूं दूर कर दिए मानो जैसे उन्हें वर्षों के त्याग व तपस्या की सही कीमत मिल गई हो। आपको बता दें कि रोहित ने अपनी कड़ी मेहनत व लगन से सन 2020 जुलाई एनडीए 144 कोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए अपने आप को चयनित करवाया है। क्या रोहित की कहानी हम सबके लिए एक सीख नहीं? सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा ऐसे हालातों से लड़ना और जीवन में ऐसे मुकाम पर पहुंचना। लेकिन रोहित के हौसले और साहस के आगे आखिरकार हर मुश्किल ने अपने घुटने टेक ही दिए। रोहित ने अपनी प्राथमिक शिक्षा न्यू कैंट प्रयागराज इलाहाबाद स्थित केंद्रीय विद्यालय से हासिल की। इसके बाद 12वीं की परीक्षा देते ही वह एनडीए परीक्षा की तैयारी करने के सिलसिले में लखनऊ आए और वहीं रहने लगे। लखनऊ में रोहित ने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के हेड ऑफिस में दाखिला लिया और सुखोई बैच के अंतर्गत एनडीए परीक्षा की तैयारी में पूरी जी जान लगा दी। रोहित की नजर किसी बाज की तरह हमेशा उसकी मंजिल पर रहती। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में रोहित की 6 महीने की तैयारी का सफर बहुत ही रोमांचक व प्रेरणादायक रहा। रोहित अपने स्वर में यह अनुभव साझा करते हैं कि उनके भाई ने उनकी बहुत मदद करी उनके एनडीए के परीक्षा में, क्योंकि खाली समय में बड़े भाई ने ट्यूशन पढ़ाकर पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने उन्हें 2000 रुपए भेजते रहे। तैयारी चल रही थी एयरफोर्स 2019 में एक्स ग्रुप के लिए भी रोहित ने क्वालिफाई किया, लेकिन जुनून तो ऑफिसर पद का था, लगा रहा और एनडीए 2019 की परीक्षा भी रोहित ने पारित कर दिखाई। एसएसबी की तैयारी भी शुरू कर दी उसी जोश उसी जुनून के साथ। लेकिन रोहित ने सिर्फ 6 महीने के बैच में एडमिशन लिया था। अब बैच का समय भी खत्म होने वाला था और दोबारा एडमिशन लेना पड़ता, लेकिन रोहित की काबिलियत को देखते हुए रोहित को एसआरएनटीएच स्कॉलरशिप मुहैया करवाई गई सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आगे की पढ़ाई करने के लिए। और रोहित ने 4AFSB वाराणसी से एनडीए 144 फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त कर सभी का सर गौरव से ऊंचा कर दिया। रोहित शुरुआती दिनों में एनडीए परीक्षा पारित करने हेतु संदेह में रहते थे, क्योंकि अंग्रेजी व गणित जैसे विषयों में रोहित उतना अच्छा नहीं था। लेकिन
धीरे धीरे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के प्रवीण व कुशल शिक्षकों की सहायता से रोहित ने अपनी इस कमजोरी को भी मात दे दी। रोहित की कहानी सुनकर एक बात तो पक्की है कि सच्ची लगन और निष्ठा से किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाना नामुमकिन नहीं होता। जीतने के लिए किसी भी व्यक्ति का खुद पर विश्वास और उच्च शिक्षा की प्राप्ति होना चाहिए, जिससे उन्हें कार्य और प्रतिक्रिया के सही तथा श्रेष्ठ तरीकों का ज्ञान हो सके। किराए का ऑटो चलाने वाले व्यक्ति के बेटे का चयन वायु सेना में पायलट के पद पर हो गया है, जो इस पूरे समाज के लिए आज प्रेरणा का एक विशाल स्रोत बन खड़ा है। हम लोगों को मिल रही अधिकतर सुविधाओं से वंचित रोहित कुमार सिंह की कहानी इस बात का सबूत है कि सच्ची प्रतिभा, कौशल, क्षमता और लगन हो तो इस दुनिया में कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं रहता। जैसा महान हिंदी कवि दुष्यंत कुमार ने कहा है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर, तो तबीयत से उछालो यारो। इसी संघर्ष से फतेह की कहानी को रोहित लाइव साझा करेगा 31 मई को शाम 5 बजे। तो तैयार रहिएगा दोस्तों, यूट्यूब चैनल सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी पे इसी संघर्ष की कहानी को रोहित से सुनने के लिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित कुमार सिंह एंड रिसेंटली आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर NDA 144 कोर्स एंड I have cleared my SSB from 4 FSB Varanasi. So, do you wanted to join defense forces as like me? Do you wanted to join NDA? Are you an Air Force lover as like me? Well, if you think so, then catch me live on the official YouTube channel of Centurion Defense Academy from 5 PM to 6 PM onwards on 31st May. You can come there with all of your queries, with all of your questions regarding your SSB interview, regarding your NDA written examination, and one thing more, I have also cleared Air Force Group X examination. So you can also share your queries and doubts regarding your other defense examination. And I'm also going to share my success story with all of you, that how I have prepared and how I made my strategy and how I managed my time so that I was able to crack NDA. Well, don't forget to join me because I'm going to answer all of your queries and questions there on 31st May. Till then, have a great day. Thank you.